वेलकम टू माय चैनल शान टेक्नोलॉजी। इसमें FRP लॉक लगा हुआ है और हम यूजिंग करेंगे आपका सीक्रेट टूल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ON5 है सैमसंग का। इसमें जो है डाउनलोड मोड में हम FRP निकालेंगे। वैसे तो ADB में निकालते हैं बहुत सारे फ़ोनों में, तो इसमें जो है हम सीक्रेट टूल से डाउनलोड मोड में FRP निकालेंगे। चलो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट बटन जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। 2 सेकंड रुको, यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट हो गया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमने कर दिया। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर वेराइफी और अकाउंट जो है हमारा यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि इसमें जो है मैं भी फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर आपका डाउनलोड मोड पे जो है FRP निकालूंगा, और हो सकता है FRP निकल जाए तो, और ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम ऐप जो है भारी हो जाए। ठीक है, और हमारा सिस्टम ऐप यानी कि इंटरनल मेमोरी जो है उसकी एक्सेस ना हो पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा वेराइफी और अकाउंट पे आ चुका है। ठीक है, हाँ तो हम वहाँ थे जैसे इंटरनल मेमोरी फुल हो जाती है, तो इसकी इंटरनल मेमोरी डाउनलोड मोड पे फुल हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारे मॉडल हमारा सीक्रेट टूल में दे रखे हैं, उनको आप अनलॉक करके देख सकते हैं। मैं पहले चेक करता हूँ एक बार, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे एक बार और फिर आपको दिखाएंगे। देख लिया आपने ON5। अब हम इसको डाउनलोड मोड पे ला रहे हैं। डाउनलोड मोड पे लाने के लिए आपको पता होगा वॉल्यूम डाउन, पावर और होल्ड की। यहाँ पर हमने केबल लगा दिया। अब हम चलते हैं सीक्रेट टूल की तरफ। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं, ये हमने खोल रखा है। यहाँ पर जो है हम जाएंगे सैमसंग पे। अब हम सैमसंग पे जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे G550F। ठीक है, 550F हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर पोर्ट स्कैन करेंगे डाउनलोड का, और यहाँ पर जो है पोर्ट आपका आ चुका है। उसके बाद आप जो है सिंपली सा रिमूव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं ये जो है लेता है या नहीं लेता है। मैं भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि जो है यहाँ पर होता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कितनी देर में जो है इसका FRP लॉक निकालता है। ठीक है, यहाँ पर फ्लैशिंग रिमूविंग FRP यहाँ पर डन कर चुका है। ठीक है, इफ़ यूर डिवाइस स्टॉक इन कॉन्टैक्ट ब्लॉक बाई FRP एंड रिबूट विल बी द स्मार्ट स्विच ऑफ एरर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है अगर आपके फ़ोन में कॉन्टेंट बाई FRP रिमूव आ जाता है या फिर आपका कोई एरर दिखाया था, यहाँ पर डाउनलोड मोड करके आप दोबारा से निकाल सकते हैं। रिमूव पे क्लिक करके जो है FRP लॉक दोबारा से इसमें रिमूव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है नॉर्मल मोड पे ऑन हो जाएगा फ़ोन। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली हमारा रिबूट हो चुका है, और यहाँ पर जो है काफ़ी सारा टाइम हमारा जो है यहाँ पर खा जाएगा। क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपका जो है यहाँ पर FRP है वो खुल जाएगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पर कोई ऐप वर्क ना करे, तो उसके लिए आपको फ़ोन को हार्ड रीसेट करना पड़ेगा। फिर सेटिंग में आप जाएंगे, उसको जो है रीसेट कर देंगे, फिर ये फ़ोन आपका ओके हो जाएगा। तो हम देखते हैं फिलहाल क्या प्रोसेस है। यही प्रोसेस होगा, आई होप कि यही प्रोसेस हो, क्योंकि पहले जो हमारा एक और GSM करके फ्लैशिंग FRP का जो आया था उसमें भी यही था। हो सकता है इसमें भी यही सिस्टम हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं इसकी बात को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो सैमसंग है अभी भी यहाँ पर लोगो चल रहा है, काफ़ी टाइम लगाता है ON5 ऑन होने में। तो यहाँ पर जो है ये काफ़ी टाइम आपका खा जाएगा, करीबन हो सकता है आपका अगर आप ऑन में करेंगे तो 7-8 मिनट से ऊपर ले जाएगा। लेकिन मैंने जो वीडियो को जो है पॉज करके बनाया था, ठीक है, अब मैं यहाँ पर अभी मैंने पॉज नहीं करी है। अब मैं पॉज करके जो है आपको डायरेक्टली ऑन हो जाएगा तब दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे आपका जो है, यहाँ पर अब हम आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टली जो है आपका FRP ऑन कर दिया है, और जो डायरेक्टली आपको मेन्यू में इन्हें डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं हैज़ बीन स्टॉपेड। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हैज़ बीन स्टॉपेड आ रहा है, तो इसको आपको फ़ोन को रीसेट करना पड़ेगा। तो आप एक बार फ़ोन को रीसेट कर देंगे तो आपका फ़ोन जो है ओके हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप एक बार फ़ोन को रीसेट कर दीजिएगा, हो सकता है डायल पैड भी काम ना करे, बहुत सारे फंक्शन जो है काम ना करेंगे, तो आप इसको हार्ड रीसेट कर दीजिएगा। हार्ड रीसेट करने से होगा क्या कि आपका फ़ोन में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर देख सकते हैं डायल पैड भी नहीं खुल रहा है, मैसेंजर भी हैज़ बीन स्टॉपेड आ रहा है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली तो यहाँ पर जो है आप हार्ड रीसेट कर देंगे तो ओके हो जाएगा।